हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम ये बैंगल और फ्लावर से तोरण बनाएंगे। बनाना बहुत इजी है, बहुत कम चीज़ों में बन जाता है और टाइम भी नहीं लगता, और बन के जब रेडी होता है तो बहुत सुंदर दिखता है। आप देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। सो विदाउट मी वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द मेकिंग प्रोसेस। सो आज का तोरण बनाने के लिए हमें इस तरह का बैंगल बेस चाहिएगा, 3 बैंगल बेस। फ्लावर लिया है मैंने, आप अपने हिसाब से अपने पसंद का कलर ले सकते हो। लटकन ली है मैंने ये, एंड फिलर्स, थ्रेड लगेगा एंड ग्लू गन लगेगा। तो सबसे पहले हम ये रिंग लेंगे, इसको हम इस तरीके से प्लेस करेंगे एंड ये थ्रेड का एक पोर्शन हम कट करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली आप अपने हिसाब से काट सकते हो। उसके बाद इसे डबल करेंगे और दोनों बैंगल्स को आपस में टाई कर लेंगे इस तरीके से। अच्छे से सिक्योर कर लीजिएगा, ये अच्छे से बांध दिया। अभी इसको खोल के एक दूसरे में से इस तरीके से निकालना है। एक एंड को मैं इधर से लेके यहाँ निकालूँगी एंड सेम दूसरे एंड को यहाँ से लेके मैं दूसरे साइड से निकाल दूँगी इस तरीके से। और इसको अच्छे से नॉट दे दूँगी इस तरीके से। ये देखिए, ये इसको मैंने सिक्योर करके एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लिया और एक जहाँ पे नॉट लगाया था वहाँ मैंने ग्लू डॉट डाल दिया। इसी तरीके से मैं बाकी के भी बैंगल्स को कंप्लीट करूँगी। आप अपने चाहे जितने चाहे उतने बैंगल्स लगा सकते हो, द साइज इज़ अप टू यू। इस तरीके से मैंने पूरा बेस जो है वो रेडी कर लिया है, हम देख सकते हो। हर एक पे मैंने जस्ट टाई किया है और ग्लू डॉट का इधर डॉट डाल दिया है सो दैट वो सिक्योर हो जाए। अब बेस हमारा रेडी हो गया। मैंने 10 बैंगल्स का पूरा बना के मैंने बेस रेडी किया है। अभी मैं ये फ्लावर लूँगी और फ्लावर को मैं इन तीनों बैंगल के बीच के पोर्शन पे यहाँ पे विद दी हेल्प ऑफ ग्लू गन सिक्योर कर दूँगी इस तरीके से। इस तरीके से मैंने फ्लावर और फिलर लगा दिया है। अगर आप देखेंगे पीछे से मैंने कुछ नहीं, एक फ्लावर को इन तीनों के बीच में जो स्टेम रहता है ना वो इधर डाल दिया और इनके नीचे मैंने फिलर इंसर्ट कर दिया। इसी तरीके से मैंने ये पूरा जो 10 पीसेस बैंगल के किए थे उसको कंप्लीट किया है। अभी हम ये जो लटकन है ना वो हम लगाएंगे। ये जो लटकन है इसको हम पहले, ये जो दो थ्रेड है ना, मैं दो है या जो भी, उसको हम हाफ करेंगे और एक पोर्शन को हम इस तरह से जो नीडल रहता है उसमें डालेंगे। सी, इस तरीके से मैंने नीडल में डाल दिया एक थ्रेड और दूसरा थ्रेड बाहर ही है। अभी ये जो बेस का जो नीचे का पोर्शन है वहाँ मोती और ये गोटे के बीच में जो गैप है ना, बस वहाँ से मैं इस थ्रेड को पास कर दूंगी विद दी हेल्प ऑफ नीडल। ये इस तरीके से पास हो गया। अब यहाँ पीछे की तरफ मैं दूसरा थ्रेड से इसको नॉट दे दूंगी इस तरीके से। जो है यहाँ पे फिर बाद में नॉट देने के बाद जो एक्स्ट्रा थ्रेड रहेगा उसे मैं कट करके ग्लू गन से सिक्योर कर दूंगी नॉट को। देखिए इस तरीके से मैंने थ्रेड को एक्स्ट्रा जो है उसको कट कर दूंगी। बट आपको एक आइडिया हो रहा है कि ये लटकन मैंने इस तरीके से लगाई है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इसी तरीके से मैं बाकी सब में भी लगा दूंगी। इसी के साथ ये तोरण कंप्लीट होता है। जो लटकन मैंने लगाई है आप देख सकते हो, पीछे मैंने उसको नॉट दिया, एक्स्ट्रा थ्रेड कट किया और ये जो ग्लू है ना वो लगा दिया ताकि अपना जो नॉट है वो सिक्योर हो जाए।
घी से बनाना आपने देखा कितना सिंपल है और टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं है। बस 3-4 चीज़ों से ये अपना तोरण बनके रेडी हो गया है। अगर आपको इस तरह के वीडियो और भी पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। थैंक यू।